हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। तो डिफ्रैक्शन मेथड में हमारे तीन टाइप के डिफ्रैक्शन हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता क्या है? तो यह मेथड जो है ये बेस्ड है वेव नेचर ऑफ मैटर पे, मतलब पार्टिकल वेव नेचर जैसा बिहेव करता है, यह इसी फिनोमेना पे हमारा बेस्ड है, जिसे हम वेव ने पार्टिकल ड्यूअलिटी भी कहते हैं। जो यह कहता है विच स्टेट दैट कोई भी मैटर हो या पार्टिकल हो वह वेव जैसा बिहेव कर सकता है। जो डी ब्रॉगली ने बोला था, एवरी मूविंग पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मतलब इसी फिनोमेना पे हमारा क्या है, डिपेंड है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। क्यों? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करते हैं हम सॉलिड का, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी। इसकी थ्योरी क्या है? तो डी ब्रॉगली ने जो थ्योरी दिया था ड्यूल नेचर का, वही इसकी थ्योरी है। उसने कहा था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एग्जिबिट कर सकता है पार्टिकल भी और वेव भी। और इसके लिए उसने बताया कि जैसे फोटॉन का वेवलेंथ होता है उसी तरह इसका भी होता है, फोटॉन का वेवलेंथ होता है उसी तरह हमारा इसका भी वेवलेंथ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का, जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। और ये लेमडा इजकल टू एच अपन पी, और मोमेंटम इजकल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाता है, इसको इक्वेशन नंबर वन कर दे रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है और वेव जैसा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, इफ़ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पार्टिकल, पार्टिकल मतलब स्पीड स्फीयर गोला, तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो वेरी करेगा कंटिन्यूसली एंगल के हिसाब से। मतलब जितने एंगल पे इसको फेंकेंगे उतने एंगल पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ से मतलब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर उसका हम जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होगा थीटा और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा होगा। तो जब हम उसको ग्राफ खींचेंगे तो थीटा में और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ हमको ग्राफ मिलेगा, अगर वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है तो। अगर वेव जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, अगर वेव जैसा बिहेव कर रहा है तो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब आप जानते हैं, जिसमें हमको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, ठीक है, वही डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसे एक्सरे से मिलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको इमर्ज करेगा, मिलेगा। अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर ग्रेफाइट का स्क्रू होता है, स्क्रीन होता है ये वाला, और इसके बाद से यहाँ पर हम लगाते हैं चैम्बर है विकेटेड, और यहाँ पर हम जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो लगा देते हैं, ठीक है, उसको से इसको एक्सलरेट करते हैं। एक्सलरेट करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इस जो ग्रेफाइट का स्क्रू है उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन आफ्टर जो एक ग्रेफाइट का स्क्रू है इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है और हमको मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, या जो है लो एक्सलेशन पे है और हाई, लो पे थोड़ा दूर दूर रहेगा फ्रिंज और हाई पे थोड़ा पास पास फ्रिंज रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन गन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, और इलेक्ट्रॉन बीम शो पार्टिकल नेचर, बीम है तो पार्टिकल नेचर शो ही करेगा बिफोर द इसके टकराने से पहले, पासिंग थ्रू द ग्रेफाइट स्क्रू, आफ्टर पासिंग इट शो वेव नेचर, और इसके बाद ये वेव नेचर शो करता है एंड वी गेट डिफ्रैक्शन रिंग। डिफ्रैक्शन रिंग दो टाइप का मिलता है, अगर लो पे इस टाइप का मिलता है, हाई पर इस टाइप, हाई में पास पास फ्रिंजे होती हैं, इसमें दूर दूर होती हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यह इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, वो फ्रिंज से फिर हम उसका कैलकुलेट करते हैं आगे। गैसेस और वेपर में कैसे होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है वो गैसेस में एक पावरफुल टूल देता है, प्रोवाइड करता है गैस मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए, उसकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, एक पावरफुल टूल देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑफ गैसेस प्रोवाइड्स ए पावरफुल टूल फॉर डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन GI ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, एटम्स के डिस्टेंस कितना होता है वो उसको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में प्रोवाइड कर देता है हमको। तो वेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, जो एक्सरे की बीम है वो हम गैस या वेपर से पास करते हैं, तो
मतलब वेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज पास थ्रू ए गैस आर वेपर एंड द डिफ्रैक्टेड बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन ए फोटोग्राफी प्लेट फॉर सेवरल हावर, तब क्या होता है, एक डिफिनिट पैटर्न ऑब्टेन होता है जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, जैसे पिछले बार बताए थे हम, ऐसे गोला टाइप का होता है, कुछ फ्रिंज मिलता है जो कंसेंट्रिक रिंग होता है, कंसेंट्रिक मतलब कई सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, तो होता है फोटोग्राफी प्लेट में हमको ऑब्जर्व होता है। इसमें हम उसका अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इसका देखें तो फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है, एक फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पे सैंपल रखे हैं यहाँ पर हम यहाँ पर, तो इससे हो जाता है। तो द डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई गैसेस एंड वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर मेजरिंग बॉन्ड डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट मेथड है किसके लिए, हमारा बॉन्ड डिस्टेंस निकालने के लिए, किसी दो एटम्स के लिए भी बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल पता करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज क्या है, तो ब्राकवे और क्रॉस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि निकिल सीओ निकिल कार्बोनेट NiCO4 का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है ये हम पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन में, तो इसी टाइप का कुछ होता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो क्या शो करता है, स्क्वायर पिरामिडल भी शो करता है, लेकिन ये कंपाउंड कैसा शो करता है, टेट्राहेड्रल। बेकवे और क्रॉस ने यह बताया था किस विधि से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। दूसरा है कि जो हमारा निकिल और कार्बन के बीच का डिस्टेंस है और कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस है बॉन्ड डिस्टेंस, वो ये पाया गया निकिल कार्बन का जो डिस्टेंस है 182 प्लस 3 हो सकता है या माइनस 3 हो सकता है, मतलब 189 से 185 के बीच में रेंज में हो सकता है, और हमारा जो कोबाल्ट और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो 115 पिकोमीटर होता है। तीसरा है द ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इन क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 111, मतलब 111 डिग्री 109.28 के आसपास है, जिससे हम लगा सकते हैं कि sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। और सिमिलर मेथड्स फाउंड टू अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब इसी मेथड से हम किसी और मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, हम दो एटम के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा। अब इसकी हम कमियाँ पढ़ेंगे, लिमिटेशन, तो इसकी लिमिटेशन ये है, पहला वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड इज दैट स्मॉल नंबर ऑफ पिक्स, बहुत छोटा सा पिक मिलता है इसमें, स्मॉल नंबर ऑफ पिक मिलता है तो डाटा भी स्मॉल होगा, स्मॉल नंबर ऑफ पिक्स इन द एक्सपेरिमेंटल कर्व विथ स्मॉल नंबर ऑफ डाटा, ओनली फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पैरामीटर कैन ऑब्जर्व, मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल के पैरामीटर के बारे में हम डाटा के बारे में इसके बारे में हम जान सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिंजेस कम मिलती हैं, फ्रिंजेस कम मिलते पिक्स कम मिलती हैं, डाटा कम मिलता है हमको, पहली कमी है। दूसरा कमी है कि हाइड्रोजन एटम अधिकतर इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटर नहीं कर पाता है, मतलब इफेक्टिवली स्कैटर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मतलब ये नियम जो है, ये जो डिफ्रैक्शन है, यह ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें हमको हाइड्रोजन का कुछ निकालना है, डाटा निकालना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, मतलब कि पोजिशन ऑफ सच एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट ईजिली बी डिटरमाइंड बाई दिस मेथड। तीसरा, इसमें जो वोल्टेज हम लगाते हैं उसमें भी अनसर्टेनिटी है, देयर इज ऑलवेज आल्सो अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज मेजरमेंट, इफेक्टिव बॉन्ड लेंथ एंड लैक ऑफ शार्पनेस, ये बॉन्ड लेंथ होगा, इफेक्टिव बॉन्ड लेंथ एंड लैक ऑफ शार्पनेस इन द रेंज ऑफ स्पॉट्स, और जो स्पॉट्स मिलते हैं वो भी इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हमारा था, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरल इक्वेशन। तो वेरल इक्वेशन जो है वो इसका बताता है स्कैटर्ड एंगल वर्सेस स्कैटर्ड इंटेंसिटी में रिलेशन, और ये एसेंशियल फीचर है डिफ्रैक्शन थ्योरी का, वेरल इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था वेरल ने, तो यह इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज़ द इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या निकाला जाता है इससे, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो हमारे मॉलिक्यूल्स पे गिराते हैं उसकी इंटेंसिटी बताता है हमारा वेरल इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड थ्रू ए स्पेसिफिक एंगल, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है यह एक स्पेशल मतलब स्पेसिफिक विशेष एंगल से क्या करता है, डिफ्रैक्ट करता है, किससे, गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल में कुछ स्पेसिफिक एंगल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से
वेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन बीम है स्ट्राइक्स ऑन ए जेट ऑफ मॉलिक्यूल, किसी जैसे मान लीजिए ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है और इसने हम एक मॉलिक्यूल लग दिया है जेट का, इस पर क्या कर रहा है, टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम। तो दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, विच प्रोवाइड कोहरेंट स्कैटरिंग। आप जानते होंगे कोहरेंट स्कैटरिंग में, आप एमएससी में है तो ट्वेल्थ में ही कोहरेंट स्कैटरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। और इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो इनकोहरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब अदर वर्ड में स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दो टाइप्स है, एक कोहरेंट और एक इनकोहरेंट, जो हम ऊपर ही बता चुके हैं। कोहरेंट स्कैटरिंग में भी रिगार्ड, कोहरेंट स्कैटरिंग जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये याद रखिएगा। कोहरेंट स्कैटरिंग जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक एटॉमिक और एक मॉलिक्यूलर कोहरेंट स्कैटरिंग, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, मतलब सभी टाइप्स के जो होते हैं, इलास्टिक इलास्टिक ये सबका होता है। अब इसके बाद देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट, यह मालूम होना चाहिए, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग विथ द एटॉमिक कंपोनेंट, मतलब बताएं कि दो कंपोनेंट होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, तो जो हमारा इनकोहेरेंट स्कैटरिंग है और वो किसके साथ, एटॉमिक कंपोनेंट के साथ, आप कोहेरेंट स्कैटरिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्पली फॉलिंग स्टीपिंग फॉलिंग, मतलब कि हम बताए हैं कि कोलिजन दो टाइप का होता है, कोलिजन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इलास्टिक, एक हो सकता होता है इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक जो होता है वो स्कैटर्ड करता है, कैसा, कोहेरेंट स्कैटरिंग करता है। कोहेरेंट दो टाइप के होते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, और कोहेरेंट का एटॉमिक कंपोनेंट और इनकोहेरेंट जब आपस में मिलते हैं तो उसी के कारण हमारा शार्पली फॉलिंग होता है, मतलब जो पीक्स मिलते हैं वो स्टिपली फॉलिंग करते हैं, जल्दी गिरते हैं, समझ आया। मतलब हम कहे हैं कि देखिए, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होता है, एक होता है कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग में दो टाइप होते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर। तो जब एटॉमिक वाला और इनकोहेरेंट वाला मिलते हैं तो जो हमारा जो फ्रिंज मिलता है, मतलब पैटर्न मिलता है, वो शार्पली फॉलिंग मिलता है, स्टिपली फॉलिंग मिलता है। तो ये है, अब इसका हम देखेंगे, व्हेन द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एटम, जब मॉलिक्यूल में कई एटम होते हैं, वी सम ओवर, हम जोड़ देते हैं, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल पेयर, सभी पेयर से हम कंट्रीब्यूशन क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, एंड फाइंड दैट द टोटल इंटेंसिटी, और टोटल इंटेंसिटी निकालते हैं, हैज एन एंगुलर वेरिएशन, और जो टोटल इंटेंसिटी होती है वो एंगुलर वेरिएशन करती है, मतलब देखिए टोटल इंटेंसिटी वो थीटा पे डिपेंड करती है, उसी के बीच जो रिलेशन दिया गया था वो दिया था वेरल भाई ने हमारे, वो इक्वेशन है सिग्मा एन आई इजकल टू वन, फिर सिग्मा जे इजकल टू वन साई आई साई जे साइन यस साई आई जे यस साई आई जे, ये साई है हमारा, जहाँ पे यस की वैल्यू है 4 पाई अपन लेमडा साइन थीटा बाई टू, और साई वन साई जे जो है एटामिक कंपोनेंट है आई और जे मॉलिक्यूल के, ठीक है, इसको हम भी दिखा रहे हैं क्या। तो साई वन एंड साई जे जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ आई एंड जेथ माल एटम्स, और थीटा जो है इंसिडेंट और स्कैटर्ड बीम के बीच का एंगल। तो वेरल इक्वेशन को हम अगले टॉपिक में फिर एक्सप्लेन करेंगे और एक बार हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे।